जब धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा की एक मशहूर अभिनेत्री ने तमाचा मारते हुए कहा था बेशरम। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र केवल इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी फिल्मों के कारण मशहूर है। उनकी लंबी फैन फॉलोइंग है और उनके चाहने वाले आज भी उनकी फिल्में ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी सिनेमा की एक हीरोइन ने उन्हें तमाचा जड़ते हुए बेशरम कह दिया था। धर्मेंद्र अपने जमाने के बड़े हैंडसम एक्टर थे। उनकी जवानी के दिनों की तस्वीर देखकर आज भी लड़कियां आहें भरने लगती हैं। तो उस जमाने की लड़कियों का न जाने क्या हाल रहता होगा। धर्मेंद्र फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही शादीशुदा थे और उनके कुल 4 बच्चे भी थे। इसके बावजूद धर्मेंद्र का स्वभाव थोड़ा मंचला टाइप का था और वो अपने साथ काम करने वाली अभिनेत्रियों के साथ हंसी मजाक किया करते थे। एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक अभिनेत्री जो उनके साथ कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी थी काम कर रही थी। वो अभिनेत्री धर्मेंद्र की अच्छी दोस्त भी थी। उस अभिनेत्री ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार एक दिन वो धर्मेंद्र के साथ कहीं बैठे गप्पे लड़ा रही थी और शायद धर्मेंद्र उस दिन नशे में थे। नशे की हालत में धर्मेंद्र सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए मुझे छेड़ना शुरू कर दिए। पहले तो मुझे लगा कि एक नॉर्मल हंसी मजाक है, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि इनका इरादा कुछ गलत है। इस बात का एहसास होते ही मैंने धर्मेंद्र को एक तमाचा मारा और उन्हें बेशरम भी कहा। आखिरकार धर्मेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उस हीरोइन से माफी भी मांगने लगे। बाद में उस हीरोइन ने धर्मेंद्र के हाथ पर एक धागा बांधा और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता एक भाई बहन की तरह होगा। धर्मेंद्र ने भी खुशी खुशी ये बात मान ली। वो अभिनेत्री थी तनुजा। तनुजा 70s के दौरान की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और वो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल की माँ भी हैं। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू सो मच।